गजल है, लेकिन ऐसी गजल है कि कहीं भी पढ़ी जा सकती है। मुलाहिज़ा करें और तमाम राजू के ऐसे वकारी भाई दोस्त उनके चाहने वालों की तरफ से उनका उनको हौसला देते हुए ये मैं दो तीन शेर पढ़ रहा हूँ। मुलाहिज़ा करें कि दुनिया अलम पाक बादी दैनम खुश है, दुनिया अलम पाक बादी दैनम खुश है, बादी दे नम खुश गए, दुनिया नम पाक बादी दे नम खुश गए, जिस हाल में तू रखे उस हाल में हम खुश गए, जिस हाल में तू रखे उस हाल में हम खुश गए, जिस हाल में तू रखे उस हाल में हम खुश गए। हमको सबक लेना चाहिए करबला के उस मुजाहिद से जिसने अपने कांधों पर अपने बेटों की लाशें धोई हैं, जिसने अपने भाई के बाजू कटते देखे हैं, अपने भाई के जनाजे उठाए हैं, उस मुजाहिद उस साबिर करबला से हमको दर्श लेना चाहिए और ऐसे मौकों पर हमको करबला याद रखना चाहिए कि आज हमसे एक बिछड़ा है तो हमको इतना गम है। वो हुसैन जिससे सब बिछड़ गए, जिससे सारा कुनबा बिछड़ गया, जिसके अली अकबर भी चले गए, अली अकबर चले गए, अली औसत भी बीमार खैमे में भूखे प्यासे हैं, सब चले गए, उनके सब्र से हमको सबक लेना चाहिए, दर्श लेना चाहिए। और यही सबक करबला का ऐसा है जो कयामत तक दुखी दिल लोगों के, गमजदा लोगों के लिए एक शाहराह बनेगा और तसल्ली बख्श सीरत बनेगी, जो करबला वालों ने हमको सब्र की तलकीन दी है, सब्र का जो मंजर दिखाया है, उस सब्र के मंजर को अपनी निगाहों में हमें हर वक्त बसाए रहना चाहिए। उसी मुजाहिद करबला के सदके में ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे यूनुस मदारी राजू को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनकी मगफरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, मदारियत की उजरत अता फरमाए। सिलसिले आलिया मदारिया की जो इशात उन्होंने की है अपनी मेहनतों से, उसकी उजरत मदारे पाक के सदके में अल्लाह पाक उनको अता फरमा दे। शेर मुरादा फरमाए, आंखों में हमारी तो आते हैं यही इनकी, हम तेरी कसम खुश हैं, तू फिक्र न कर इनकी, हम तेरी कसम खुश हैं, दुनियाए अलम पाक बादी दैनम खुश गए, जिस हाल में तू रखे उस हाल में हम खुश गए।